ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आजकल बड़ी कंफ्यूजन पेट्रोल गाड़ी लूँ या डीजल गाड़ी लूँ, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, कई सारी कंपनीज़ पेट्रोल गाड़ीज़ के ऊपर ध्यान दे रही हैं, डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं, डीजल की कोई भी गाड़ी आगे से नहीं बनानी, यानी कि डीजल के एक्सपर्ट माने जाते, डीजल की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ बनाने जाने वाले मारुति सुजुकी और टोयोटा, इन्होंने भी गाड़ियाँ बंद कर दी। निसान जो जाना जाता है आज वो भी इसी कड़ी में चल पड़ा है कि हमारे पास अब पेट्रोल के अलावा कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो क्या हम डर जाएं इस चीज़ से कि हम डीजल गाड़ी लें ही ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। किन को पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए मैं उनकी बात पहले करता हूँ, जिन्होंने कभी कभी गाड़ी चलानी है या जिन्होंने फीचर्स ज़्यादा देखने हैं और कभी कभी हाईवे पे निकलना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपये का डिफरेंस हर गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, चाहे पेट्रोल से डीजल में शिफ्ट होते हैं या डीजल से पेट्रोल में शिफ्ट होते हैं, तो 1 लाख रुपये डिफरेंस आपको मिलेगा। वो 1 लाख रुपया जो है आप या तो बचा सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं, आप नए ऊपर का वेरिएंट ले सकते हैं जिसके अंदर के फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, जिन्होंने रख रखाव के खर्चे के ऊपर कम ध्यान देना है या मेरे जैसे हैं जो कहते हैं कि यार मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस मेरे को तो गाड़ी हो सेल्फ मारी छुट्टी, तो मैं बस आना जाना ही करना है, तो उन पर्सनस के लिए भी अच्छी गाड़ी है। जो कोई एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने गाड़ी रखनी है, उनके लिए भी ये गाड़ी सूट करेगी। क्यों? उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वहीं पे जाकर खड़ी कर देनी है, शाम को वापस लेके आनी है, तो उनको भी ये गाड़ी सूट करती है। तो डीजल गाड़ी किसको लेनी चाहिए या डीजल गाड़ी लेनी भी चाहिए कि नहीं? अब दोस्तों डिफरेंस कोई खास पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर भी नहीं रह गया, तो क्या करें? तो फिर भी पहले ये मैं गैप कहता था 3 से 4 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा किसी ने चलना है तो वो गाड़ी ले डीजल। अब सिर्फ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अब 4 से 5 हज़ार जिसने चलना है वो ले, क्योंकि कारण क्या है कि सबसे बड़ी बात, जब आप गाड़ी ले रहे हो तब आपको वो महंगी पड़ेगी, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके ऊपर ज़्यादा चार्जेज लगेंगे, इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा चार्जेज लगेंगे, सर्विस की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और जब आप रीसेल करने जाओगे तो उसकी रीसेल वैल्यू भी इतनी नहीं पड़ेगी। तो ये सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। तो क्या डीजल गाड़ी इतनी बुरी है? ऐसा कुछ नहीं। आपको टॉर्क, पावर, पंच, माइलेज हर चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है डीजल गाड़ी के अंदर, और डीजल गाड़ियाँ उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि हाईवे पे ज़्यादा सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, 500-600 किलोमीटर पर डे हो जाता है जिनका, या 300-400 किलोमीटर तक भी हो जाता है, तब भी हमें डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। पेट्रोल गाड़ी का आपको रख रखाव खर्चा कम पड़ेगा, तो आज के दौर में भी वही चीज़ वैलिड है। कई कंपनियां और नई आ रही हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर गाड़ियाँ बनाई हैं। अब जो मैंने अगर कहूँ टाटा, तो टाटा ने भी अब अल्ट्रोज लॉन्च की थी हाल ही में, 40,000 रुपये उसकी कीमतें कम की हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बंद कर रहे हैं गाड़ी को, इसका तात्पर्य यह है कि पिछली जो महामारी के अंदर इनके पास सेल का जो कम हुई है उस सेल को ऊपर उठाना, 25,000 यूनिट्स बना चुके हैं ये पेट्रोल डीजल दोनों को मिला के। तो अब जाहिर सी बात है पिछले 9 महीने के अंदर जब भी ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके बाद, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 9 महीने के अंदर ही इन्होंने काफ़ी 25,000 यूनिट्स बना दी हैं और वो गाड़ियाँ बिक भी रही हैं, अच्छी सेल निकाल रही हैं। सेल में और पंप अप करने के लिए इन्होंने 25,000 रुपये का, 40,000 रुपये तक का इन्होंने डिस्काउंट गाड़ी में दे दिया है, पर्टिकुलरली डीजल इंजन में। और डीजल इंजन हर तरीके से किफ़ायती भी रहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा चलते हैं या जिनको ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है। आप अगर आप 1 साल की एवरेज लगा के देखें तो 40 से 45,000 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चल गई तो मान लीजिए आपके लिए डीजल गाड़ी सही थी। और कई सारे फीचर्स होते हैं ऐसे, कई सारी पावर होती है ऐसी जो कि हमें डीजल गाड़ी में मिल पाती है, दूसरी गाड़ी में नहीं मिल पाती। जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की टॉर्क की। टॉर्क एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पंच वो फील नज़र नहीं आएगा उसके पेट्रोल गाड़ी के अंदर। अब मैं अगला वीडियो शायद मैं उसी पे बनाऊँ, एक फ्रेंड ने गाड़ी ली पहले, उसके पास जेस्ट थी टाटा की, जेस्ट जो कि डीजल इंजन थी, अब उसने नेक्सन ली है जो पेट्रोल में है। उसके मानना यह है कि मेरे को इसमें यूज़ टू होते हुए बहुत टाइम लग रहा है, हालांकि मैंने नेक्सन पहले चलाई है, लेकिन जो पंच, जो फील, जो एक्सेलरेशन मिलती थी वो इसमें नहीं मिल रही, बट 1 लाख रुपये बचा भी तो है। तो प्रैक्टिकली सोचें, हम अपने पैसे बचाएं उस हिसाब से चलें। हम एग्रेशन में आके महंगी गाड़ी या बड़ी गाड़ी ले ली हमने, डीजल ही लेनी है, मैंने तो, मैं अपना कुछ नहीं देखना, मैंने तो डीजल देखनी है, मैं तो टॉर्क देखना है, वैसा देख के ना चले, अपनी ज़रूरत देखें हम,
कि हमने ज़्यादा चलना है या खड्डे भरे रास्ते ज़्यादा हैं हमारे पास, तो थोड़ी सी हमें पावर वाली गाड़ी चाहिए, तो हमारे पास डीजल इंजन हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनेगा। अगर हम सिर्फ शहर में रहते हैं या गांव देहात में भी कम कभी कभी आना जाना होता है, हाईवे पे कम कभी कभी चलते हैं हम, और कभी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं हम, तो उन लोगों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए, क्योंकि सारे खर्चे आपको पड़ेंगे। एक बार गाड़ी लेके तो गुजारा नहीं है, उसके बाद उसकी सर्विस मेंटेनेंस भी है, इंश्योरेंस भी दोबारा करानी है, तो सारी चीज़ों के खर्चे आप सोच समझ के चलिए। आजकल तो गाड़ी के साथ 3 साल की सर्विस, 3 साल की इंश्योरेंस भी साथ में करवानी पड़ती है, तो वो भार एक बार में पड़ जाएगा, वो भी एक बार आस्पेक्ट साथ में जुड़ा हुआ, सोच समझ के इस गाड़ी को डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी होगी, बाकी कमेंट में बात करते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।